हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी पूरी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी ब्रेकफास्ट। ये है स्टफ्ड इडली, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आपके घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ज़रूर से बनाइएगा, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सही तरीका आपको मालूम हो सके स्टफ्ड इडली बनाने का। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दी है कारा चटनी, जो कि प्योर साउथ इंडियन टेस्ट लेकर के आई है। इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टफ्ड इडली बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 कप रवा, 1.5 कप दही, ये हो गया 1.5 कप। अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 कप पानी, हमने उसी कप में पानी ले लिया है इसीलिए पानी आपको यहाँ पर वाइट लग रहा है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके का गाढ़ा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। साउथ इंडियन कारा चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके ये धुली हुई उड़द दाल। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके ये चना दाल। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 गोल वाले मिर्च। अगर आपके पास गोल वाले मिर्च ना हो तो आपके यहाँ जो ये साधारण लाल मिर्च रहती है उसको ही ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 ये लाल मिर्च और ऐड कर रहे हैं इसमें। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन की ये 2 कलियाँ। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे लगभग मीडियम साइज के हमने 2 प्याज कट करके लिए हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने बारीक इस तरीके से चॉप करके लिया है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके बाद इसमें डाल देंगे ये लगभग 3 से 4 हमने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं कट करके, इनको भी इसमें डाल देंगे और इनको भी फ्राई करेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। ये देखिए, टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम तैयार करेंगे इनसे चटनी, उसके लिए पहले हम इनको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, उसको हमने एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये लगभग 2 से 3 टेबल स्पून भर करके इमली का पल्प, इसको हमने इमली को भिगो करके तैयार किया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे और अपनी फाइन चटनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, चटनी हमारी पिस चुकी है, अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी चटनी हमारी बनकर के तैयार हुई है। वाओ, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, उसके ऊपर रख लिया है अपना तड़का पैन, और तड़के पैन में हमने डाल लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें डाल देंगे ये राई दाना, इसको तड़कने देंगे। राई डालने के बाद इसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे और 2 पिंच हींग भी डाल देंगे। उसके बाद इसमें करी लीव्स डाल देंगे। तड़का हमारा तैयार हो चुका है, अब इस तैयार तड़के को हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे। वाह, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चटनी बनकर के तैयार हुई है। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे, उसके लिए हमने 1 सर्विंग स्पून भर करके कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है, वो गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून राई दाना। राई को हल्का सा तड़कने देंगे, उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून खड़ा धनिया। मसाले हमारे भून चुके हैं, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। उसके बाद डाल देंगे इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये तीखी वाली मिर्च है,
और आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो मिर्च की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। प्याज हमारा हल्का सा भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये हींग। हींग को अगर हम पहले डाल देते तो हींग हमारी जल जाती, इसलिए हमने हींग को इसमें बाद में ऐड किया है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये करी लीव्स। हमने यहाँ पर करी लीव्स को इस तरीके से चॉप कर लिया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इनको स्टफिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इनको हमने यहाँ पर कट करके डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर करके हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके सांभर मसाला, और उसके बाद डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने 7 से 8 आलूओं को उबाल करके इस तरीके से छील करके मैश करके ले लिया है, इनको अब हम अपने मसाले में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, पहले हमने सफेद वाला नमक डाला है, अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा काला वाला नमक। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, काला नमक जरूर से डालिएगा, उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है स्टफिंग का। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो मैशर की मदद से इनको अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश करके स्टफिंग को तैयार कर लिया है। अब इसमें से थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे हम और इसे छोटी छोटी पेटीज तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके की छोटी छोटी हम टिक्की तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियां हमारी बन चुकी हैं, यानी स्टफिंग पूरी तैयार हो चुकी है, अब हम आगे की तैयारी करेंगे। स्टफिंग को तैयार करने के बाद अब हम अपने बैटर को तैयार करेंगे। ये देखिए हमने अपने बैटर को चेक करके देखा है, 15 मिनट बाद ये इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से ये रेस्ट कर चुका है। इस बैटर को बनाने में आप किसी भी प्रकार की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटी या पतली। अब हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर देंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से मेंटेन हो। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें अपने बैटर की चाहिए होगी। बैटर को तैयार करने के बाद हम यहाँ पर जिसमें हम इडली तैयार करेंगे उसके लिए हमने इसमें ऑयल लगा करके इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इन इडलियों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक इनो शीशे ले रहे हैं, इसको इसमें डाल देंगे और इसको सूखा मिक्स नहीं करना है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। बस 1 से 2 बूंद ही पानी डालना है हमको और इसको धीरे हल्के हाथों से हम इसमें मिक्स कर देंगे, सभी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए ये। ये देखिए इडली का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। मिक्सचर तैयार करने से पहले आप किसी बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए ज़रूर रख दीजिएगा, जिसमें भी आपको इडली बनानी हो। अब इस तरीके से हम इडली स्टैंड लेंगे और उसमें थोड़ी सी स्टफिंग ये डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल देंगे पहले हम। अब ये जो हमने टिक्कियां तैयार की हैं इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से अच्छे से, और इसके ऊपर हम वापस से थोड़ा सा बैटर और डाल देंगे ताकि ये जो हमने स्टफिंग रखी है वो अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए हमने सारे इडली स्टैंड में इसी तरीके से इडली लगा ली है, उसके अंदर स्टफिंग फिल कर ली है, अब हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए स्टीमर में हमने अपनी इडलियों को स्टीम करने के लिए रख दिया है, अब हम इनको लगभग 10 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। इडली हमारी अच्छे से स्टीम हो चुकी है, ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल चुकी हैं। इनको हमने लगभग 15 मिनट के लिए स्टीम किया है, पहले इन्हें 5 मिनट हमने फुल फ्लेम पर स्टीम किया ताकि ये अच्छे से फूल जाएं, और उसके बाद 10 मिनट के लिए हमने मीडियम गैस पर इनको पकाया है। अब ठंडा करके हम इनको मोल्ड से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी इडली यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, अब एक चम्मच की मदद से हम इनको साइड से इस तरीके से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर ऑयल लगाया है, बहुत ही आराम से हमारी सारी इडलियाँ निकल जाएंगी।
ये देखिए इस तरीके से हम इसको इस तरीके से चम्मच से निकाल लेंगे। वाओ कितनी अच्छी इडली हमारी फूली है। दूसरी तरफ से भी मैं दिखाती हूँ, दोनों तरफ बहुत ही अच्छी जाली आई है। इसी तरीके से हम सारी इडलियों को निकाल लेंगे। ये देखिए सारी इडलियों को हमने इस तरीके से प्लेट में सर्व कर लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अब इसको हमने चॉपर के ऊपर रख लिया है, अब हम इसको कट करेंगे। वाह बहुत ही सॉफ्ट इडली हमारी बनकर के तैयार हुई। देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग इसके अंदर लग रही है, बहुत ही यमी और टेस्टी लगेगी आपको। वाह ये लीजिए, मैंने इस तरीके से कुछ इडलीज को कट करके यहाँ पर रख लिया है। और इसके साथ हम रखेंगे ये कारा चटनी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। प्योर साउथ इंडियन टेस्ट आता है हमारी कारा चटनी का, तो इडली के साथ ये कारा चटनी ज़रूर से बनाइएगा। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। मेरे चैनल इंडियन फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Thanks for watching.